आईआईटी की बात होती है तो संदीप भाई बहुत बड़ा मसला आता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, आईआईटी का ख्वाब सबका तो पूरा नहीं होगा, कुछ लोग सुसाइड का रास्ता चुनते हैं, क्यों है ऐसा? जीवन में ऐसे बना दिया जाता है कि अगर बेटा तू आईआईटी नहीं करेगा तो जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बच्चा तो बच्चा होता है, उसको फिर सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें पेरेंट्स की, सोसाइटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई ऐसे नहीं है कि सारे पेरेंट्स जबरदस्ती के प्रेशर डाल रहे हैं, कई बार बच्चे इतने कंपटीशन में ड्रॉन हो जाते हैं कि खुद पे ही वो ले लेते हैं। हर बच्चे के पास साइकोथेरेपिस्ट का या काउंसलिंग सर्विसेज का एक्सेस क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप क्वालिटी साइकोथेरेपी देते? चूंकि मैं सिस्टम के अंदर था, तो आई शुड बी फेयर विद दिस। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि व्यस्तता के चलते बीच बीच में गायब हो जाता हूँ। दोस्तों, अनकही अनफिल्टर्ड को अब हमने एक नया नाम दिया है, कैंडिड विद शालीन। कैंडिड का तर्जुमा हुआ सरल और स्पष्ट, और मेरा नाम हुआ शालीन। इस बार सीरीज को वापस शुरू करने की वजह बना आपसे किया गया एक वादा, वो कहानी जो आपके सामने लानी जरूरी थी। चलिए फिर आपको आज के हमारे अतिथि से रूबरू करवा दिया जाए। यह पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमएससी पीएचडी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करके भारत आए इस युवक ने आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एनर्जी विज्ञान विभाग में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे इस युवक ने राजनीति की ओर रुख कर लिया? हाल ही में संसद के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन बिल और महिला आरक्षण बिल पर अपने तर्कों और सुझाव से सब तरफ वाहवाही बटोरने वाले इस युवा सांसद का नाम है संदीप पाठक। संगठन के इस सैनिक की कभी ऐसी तस्वीर वायरल होती है जिसमें यह मंच से बहुत दूर जनता के बीच उनका मिजाज जानने समझने के लिए बारिश में भीगा मिलता है। आइए मिलते हैं माननीय सांसद संदीप पाठक जी से।